यार जो चैप्टर फाइव का सीन है ना, चैप्टर फाइव टोटली डिपेंड करता है जो मैंने चैप्टर नंबर टू में आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताई है ना, अगर तो वो आप लोगों को याद है फिर तो बेस्ट तरीका है। मैंने पहले भी बताया था, वो प्रॉपर्टीज में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं नाम बता दूंगा उनके। पांच किस्म की प्रॉपर्टीज होती है जो आपको याद रखनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पांच प्रॉपर्टी है जिसकी बेसिस पे पूरी ग्रुप थ्योरी जो है वो बेस कर रही होती है। अगर ये आपने पांच समझी हुई है तो आपके मसले सारे इजी हो गए, वरना आपको मसले मसले हैं। तो ये पांच प्रॉपर्टीज मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, बस नाम इनके बता रहा हूं। बाकी मैंने डिटेल में आपको चैप्टर नंबर टू रियल नंबर्स वाले में इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, एग्जांपल बताई थी। मैंने काफी 30-40 मिनट कितने मिनट मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो इसमें इन प्रॉपर्टीज के आगे से हम बात करते हैं। तो चैप्टर फाइव जो है इसका नाम है ग्रुप, ठीक है। अब ये ग्रुप होता क्या है, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक में बातें डिस्कस कर लेता हूं, फिर ग्रुप पे आ जाते हैं। अच्छा, वो पहले प्रॉपर्टी जो है ना, वो तरतीब से आपने याद रखनी है। इसको आप कह सकते हो बाइनरी प्रॉपर्टीज, या बाइनरी हाँ प्रॉपर्टीज कह लो। अच्छा, बाइनरी क्या होता है? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा बाइनरी रिलेशन, या कोई आप डिस्कस करते हो बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी का जो वर्ड होता है ना, ये दो के लिए आप यूज कर रहे होते हो। जैसे एडिशन जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, सबट्रैक्शन जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। जो स्क्वायर रूट है वो बाइनरी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट एक ही नंबर पे परफॉर्म होता है। इसी तरह और कोई भी आप लेट कर सकते हो, क्यूब रूट या डिफरेंशिएशन आप कर रहे होते हो, वो एक चीज पे भी ऑपरेट हो सकती है, ज्यादा पे भी होती है, लेकिन एक पे आप ऑपरेट कर देते हो उसको। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब वो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इस सब ऑपरेशन है जो दो टर्म पे आप लगा रहे होते हो, तो इनको आप कहते हो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो बाइनरी का वर्ड है ना, इसे जरा घबराना नहीं। तो आप इसको बाइनरी, जो भी आपके पास ऑपरेशन है उनकी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे आप बाइनरी ऑपरेशन लिख लो, जो भी है बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, हम डिस्कस दो ही करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था चार किस्म के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में दाखिल कर देते हैं, इसी तरह डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कंसीडर करते हैं। तो असल दो ही ऑपरेशन है जो आप ग्रुप थ्योरी में डिस्कस कर रहे होते हो, एक एडिशन होता है और एक मल्टीप्लीकेशन होता है। अब अगेन वही बात कि पांच प्रॉपर्टी अब डिस्कस होती हैं, वो पांच प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन मैं ऑर्डर बता रहा हूं, इसी ऑर्डर में आपने याद रखना उनको। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर, फिर थी एसोसिएटिव, अच्छा तीसरे नंबर पे थी आइडेंटिटी, अच्छा चौथे पे थी इनवर्स प्रॉपर्टी, और पांचवे पे थी कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में तो आपको पता है ब्रैकेट के ऑर्डर होते हैं, बाकी तो कोई इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है। कम्यूटेटिव जो है ये मैटर नहीं करता, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात एक होती है। जो दरमियान की तीन प्रॉपर्टीज है ना, पहली और चौथी, तीसरी और चौथी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा वर्बली बता देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आप किसी भी एक सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उन दो एलिमेंट के दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन कर लो या मल्टीप्लीकेशन कर लो, और अगर रिजल्ट जो है वो भी उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि वो सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर में से आपने वन उठाया और आपने टू उठाया, अब वन और टू को आपस में एड करो, थ्री आएगा, थ्री भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। वन और टू को मल्टीप्लाई करो, टू आएगा, टू भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसलिए आप बोलोगे नेचुरल नंबर जो है वो क्लोज है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, नेचुरल नंबर जो है वो क्लोज है इसमें, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर आपको याद हो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एडिटिव थी वन, सॉरी एडिटिव था जीरो, कि अगर आप जीरो किसी भी नंबर में ऐड करो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लीकेशन में वन ये आइडेंटिटी होती थी कि अगर वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उस नंबर को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये बोलते हो ना कि कोई भी सेट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद होनी चाहिए। जैसे नेचुरल नंबर जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी होती है जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर में होते ही नहीं है।
लेकिन नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन होती है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। अगेन ये बातें आपको उसको समझ आएंगी जब आपने मेरा चैप्टर टू सही तरीके से पढ़ लिया। फिर आखिरी प्रॉपर्टी थी, चौथी प्रॉपर्टी जो है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स ये होता था कि जैसे एक नंबर टू है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू होगा। जब आप एड करोगे तो रिजल्ट में जीरो आ रहा होगा, ठीक है। और एक था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कि अगर टू लिखा हुआ है टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन अपॉन टू होता है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में वन आ रहा था। तो अगेन वही बात, किसी भी सेट को अगर आप बोलोगे कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो अगर जैसे नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो इनवर्स को सेटिस्फाई करते ही नहीं है। क्यों? अगर एक नेचुरल नंबर है टू, टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू, और माइनस टू नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करो तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर एक टू पिक कर लो, टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वन अपॉन टू, वन अपॉन टू तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते ही नहीं है। तो इनवर्स ये पूरी प्रॉपर्टी थी। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया पांच प्रॉपर्टीज का। अब आ जाओ ये सवाल में, जो जो चैप्टर का नाम है ग्रुप, और ये होती क्या चीज है। ये जो ग्रुप है ना, क्या हुआ, अच्छा ये जो वर्ड होता है ना ग्रुप, ग्रुप वैसे भी आप एक या दो, एक बंदे को तो ग्रुप नहीं कहोगे, दो से ज्यादा लोग होंगे या दो होंगे तो आप ग्रुप कह रहे होते हो। यहां पे ग्रुप का मतलब क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हम समझते हैं कि ग्रुप के लिए आपको दो लोग चाहिए ना। सबसे छोटे ग्रुप की हम बात करते हैं, तो एक होता है सेट, एक होता है ऑपरेशन। कंसीडर कर लो नेचुरल नंबर, ऑपरेशन में कंसीडर कर लो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक आप सेट कंसीडर करते हो, एक आप ऑपरेशन कंसीडर करते हो। अब उस सेट और वो जो ऑपरेशन है, अगर वो कुछ खास बातों को सेटिस्फाई करेंगे तो आप उसको ग्रुप बोलोगे। ग्रुप होता क्या है, एक सेट है एक ऑपरेशन है। अगर वो सेट और वो ऑपरेशन कुछ खास प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे तो आप उनको ग्रुप बोलोगे। ये ग्रुप है, ठीक है। अब हम देख लेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो आगे वही टॉपिक है हमारा। सिर्फ ग्रुप नहीं होता इसके अंदर, टोटल पांच टर्मिनोलॉजी है इंक्लूडिंग ग्रुप। वो क्या क्या होती है जरा उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बताई है कि आपको चाहिए एक अदद सेट और एक अदद ऑपरेशन। सेट के लिए ग्रुप थ्योरी में नॉर्मली हम एस लिखते हैं और ऑपरेशन को नॉर्मली हम स्टेरिक बना रहे होते हैं। अब स्टेरिक किसी ऑपरेशन को शो कर रहा है, वो ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हम जनरलाइज बात करते हैं। और इनको हम इनक्लोज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स। अब एक सेट और ऑपरेशन आ गया। अब आपने देखा है कि किन किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिन जिन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे उस हिसाब से हमने इनके नाम रखे हुए। जैसे अगर ये सेट और ये ऑपरेशन पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस एरो का मतलब पता है क्या है, मैं इस एरो के ऊपर लिख देता हूं कि सेटिस्फाइज किसको। अगर पहला केस ये है कि वो जस्ट प्रॉपर्टी नंबर वन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो सेट और ऑपरेशन क्लोज है बस, बाकी किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसको आप बोलोगे ग्रुपॉइड। अगर वो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो क्लोज होगा, मतलब अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट उठाए उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप बस उसको ग्रुपॉइड बोलोगे। अगर वो प्रॉपर्टी नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर टू अगर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो फिर आप उसको बोलते हो सेमी ग्रुप। ये नाम रखे हुए हैं। अब एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि सेमी ग्रुप किन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो आप ये बोलोगे कि अगर वो क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको आप क्या बोलते हो, सेमी ग्रुप बोलते हो। अच्छा, अब अगर एक सेट है जो कि वन टू थ्री इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, मतलब वो क्लोजर को भी सेटिस्फाई करे, वो एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करे और वो आइडेंटिटी को भी करे, तो उसका नाम क्या होता है, मोनॉइड। ये सब आपकी बुक में है, मैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे रहा, इसमें से कोई भी डेफिनेशन आ सकती है।
चौथा केस ये है कि अगर आपका कोई सेट या उसके साथ एक ऑपरेशन जो है वो शुरू की चार बातों को सेटिस्फाई करे, मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इनको सेटिस्फाई करे, तो फिर उसका नाम क्या होता है? ग्रुप। तो ये जो वर्ड ग्रुप है ना, यहां से आया है कि एक सेट और एक ऑपरेशन अगर इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तब आप उसको ग्रुप बोलोगे। और एक आखिरी केस है वो ये कि अगर इन पांच प्रॉपर्टीज को कोई सेटिस्फाई करे तो उसको हम कहते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा शायद, एबिलियन ग्रुप। तो ये जो ग्रुप है ना, पूरे जो स्टूडेंट के लिए मसले बने हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। अगर आपने पांच चीजें समझ ली ना, आप पूरा ग्रुप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा आपको। बस शर्त ये कि पांच बातें आपको समझ आनी चाहिए और साथ साथ मैंने बता दिया किन किन, अच्छा एग्जैक्ट ही ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये नहीं उससे पूछना क्लोजर या कम्यूटेटिव होगा तो उसको आप क्या बोलोगे, सब भी नाम नहीं रखा हुआ आपने। ये जो इसी ऑर्डर में पहली को करे या शुरू की दो को करे या शुरू की तीन को करे, उस हिसाब से हमने इनके नाम रखे हैं। और चैप्टर का नाम ग्रुप है, उसके मुताबिक अगर जो शुरू की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तब आप उसको ग्रुप बोलते हो। अब आ जाओ इसके एमसीक्यूज कैसे आते हैं। सबसे पहले टाइप के एमसीक्यूज, वो आपसे प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, जो मैंने बताई थी ना, एसोसिएटिव की जनरल फॉर्म वो पूछ लेंगे, आइडेंटिटी की जनरल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, या बेसिक बात पूछ लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव टू का इनवर्स क्या होता है, माइनस टू होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज से बेसिक बातें आपसे वो पूछ सकते हैं। दूसरा टाइप का एमसीक्यू हो सकता है कि वो आपसे नाम पूछ लें, वो बोलेंगे एक सेट और एक ऑपरेशन है जो कि क्लोज भी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको आप सेमी ग्रुप बोलोगे। फिर वो ये सवाल दे सकते हैं कि एक ग्रुप है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर कोई ग्रुप होगा तो शुरू की चार बातों को तो सेटिस्फाई करेगा ना, और वो साथ साथ बोल रहे कि वो कम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो पांचों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, एबिलियन ग्रुप। अगर वो बोलेंगे एक सेट और ऑपरेशन तीन बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, मोनोइड बोलोगे। तो दूसरे टाइप के एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं। और तीसरे टाइप के एमसीक्यूज किस तरह होंगे वो जरा आप कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं तब आपको बात समझ आएगी। बस इस चैप्टर में यही है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल करवाऊंगा और मसला हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या है। शुरू की दो तीन एग्जाम्पल मैं करवाता हूं, फिर आप लोग करना। अगर आपको ये बताना हो कि सेट कौन सा है इंटीजर्स z और ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, तो याद रखना एसोसिएटिव तो चेक करने की जरूरत नहीं है, जो भी सेट है वो एसोसिएटिव होता है। मैट्रिसेस में मसला हो सकता है लेकिन ऐसे एमसीक्यूज नहीं आते, तो आप एसोसिएटिव से इतनी टेंशन ना लो उसकी। सबसे पहले आप देखो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, ये एनालाइज करना बड़ा ईजी है। आप अपने जहन में कोई भी दो इंटीजर उठा लो, लेट कर लो मैंने माइनस टेन और फाइव उठा लिया, अब माइनस टेन और फाइव को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है माइनस फिफ्टी, माइनस फिफ्टी एक इंटीजर है। कोई और दो उठा लो, लेट कर लो जीरो मैंने उठा लिया और माइनस फिफ्टी उठा लिया, जीरो और माइनस फिफ्टी को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव को तो कर रहा ही होगा, इसका मतलब अभी तक सेमी ग्रुप ये बन गया। अब आ जाओगे तीसरी प्रॉपर्टी पे, आइडेंटिटी देखते हैं इंटीजर में। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, वन, वन भी इंटीजर में मौजूद है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। चौथी प्रॉपर्टी आ जाओ इनवर्स, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल करते हो आप। अब जैसे कि इंटीजर है टू, टू का इनवर्स क्या होता है वन अपॉन टू, क्या वन अपॉन टू मौजूद होगा, नहीं, वन अपॉन टू जो है वो इंटीजर नहीं होता। आप कोई भी इंटीजर उठाओ ना उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो इंटीजर नहीं आएगा। जैसे मैंने एक इंटीजर उठाया माइनस टू, माइनस टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन अपॉन माइनस टू, और वन अपॉन माइनस टू इंटीजर नहीं होता। इसका मतलब ये जो इनवर्स प्रॉपर्टी है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब ये तीसरी चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब शुरू की तीन को कर रहा है, तो उसका नाम क्या होगा मोनोइड, तो आप इसको बोलोगे कि ये क्या है कि मोनोइड है। इस तरीके से आप सोचते हो इन वाले सवालों को, कुछ सवाल है यहां तक तो पूछ लो, एक एग्जांपल मैंने करवाई है, आइडिया तो हो गया होगा आप लोगों को।
लास्ट मैंने ये बात बोली कि यार चौथी प्रॉपर्टी थी इनवर्स और ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई भी एक इंटीजर मैंने उठाया जैसे मैंने 2 उठाया तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/2 और 1/2 जो है वो इंटीजर में होता ही नहीं है। मैंने बताया था कि आइडेंटिटी और इनवर्स उसी सेट के अंदर होना चाहिए। अगर है तो आप बोलते हो कि भाई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। जैसे आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है 1 होता है तो 1 इंटीजर से बिलोंग करता है ना तो इसका मतलब आइडेंटिटी को वो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि अगर आप किसी भी इंटीजर को उठाओगे जैसे 2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2 और 1/2 को इंटीजर नहीं है दैट्स व्हाई वो इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मैं 2-3 और एग्जांपल करवा देता हूं शायद आपको कुछ मिस हो गया हो आवाज की वजह से ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दूसरी एग्जांपल है नेचुरल नंबर और ऑपरेशन कौन सा डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव डिस्कस कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी देखो। आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर उठाओ उनको ऐड करो जैसे मैंने 1 उठाया 10 उठा लिया जब मैं ऐड करूंगा रिजल्ट क्या आएगा 11 और 11 भी एक नेचुरल नंबर होता है। इसी तरह लेट कर लो मैंने एक 100 उठाया और एक मैंने 1000 उठा लिया ऐड करोगे रिजल्ट में नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो यहां तक तो मामला ठीक है। एसोसिएटिव को भी कर रहे होंगे उसको छोड़ दो। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। क्या नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0 और 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर होते ही नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो शुरू की 2 को कर रहे हैं दैट्स व्हाई इसको आप क्या बोलोगे सेमी ग्रुप। यहां तक ये बात समझ आई है सबको कोई इशू? उसके बाद क्यू का मतलब होता है रैशनल रैशनल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। मैं कुछ बेसिक बात बता देता हूं जो बड़े बड़े सेट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। रैशनल नंबर रियल नंबर और इंटीजर्स। हाँ रैशनल नंबर इंटीजर्स और रियल नंबर ये थोड़े बड़े बड़े सेट। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है फिर रैशनल नंबर है फिर इंटीजर्स है। ये 3 जो बड़े बड़े सेट है अगर ये विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आए तो भाई ये मीडियन है चेक करने की भी जरूरत नहीं है। कौन कौन से रियल नंबर इंटीजर्स रैशनल नंबर अगर ये 3 सेट पॉजिटिव के साथ है जैसे यहां पे पॉजिटिव के साथ आया हुआ है इंटीजर पॉजिटिव के साथ आया हुआ तो फिर तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये एबिलियन ग्रुप बना रहे होंगे इसको चेक भी ना करो शौक हो तो चेक कर लेना आपको समझ आ जाएगी कि एबिलियन ग्रुप ही बना रहे होंगे क्योंकि भाई इनमें रैशनल नंबर में जैसे 0 भी होता है मतलब आइडेंटिटी मौजूद है अच्छा इनवर्स भी मौजूद होगा क्योंकि लेट कर लो अगर आपने 2 पिक किया 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -2 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह आपने लेट कर लो रैशनल नंबर उठाया 1/2 रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है ना 1/2 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1/2 भी रैशनल होता है तो ये इनवर्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इनवर्स को करेगा तो फिर कमोटेटिव भी कर रहा होगा तो ये एबिलियन ही होता है। तो याद रखना जब भी 3 सेट जो मैंने आपको बताए ना रैशनल इंटीजर रियल और हाँ ये जो 3 सेट है अगर ये विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव आ जाए तो आपको चेक भी ना करो ये डायरेक्ट 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे इसको आप एबिलियन बोल दोगे। और अगर ये 3 सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो भाई मोनोइड होंगे। उसकी रीजन क्या है देखो इंटीजर में मसला क्या आता है इंटीजर में मसला आता है इनवर्स का जो भी मैंने बताया था ऊपर क्योंकि इंटीजर में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो सर सारे ग्रुप कमोटेटिव सेटिस्फाई हाँ ये याद रखना जो भी ग्रुप है ना वो एबिलियन भी होगा क्योंकि एबिलियन के लिए कमोटेटिव होना चाहिए ना वो होता है। बस मैट्रिसेस के अंदर मसला हो सकता है क्योंकि आपको पता है मैट्रिसेस में मल्टीप्लीकेशन में कमोटेटिव नहीं होता जैसे मैट्रिसेस में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता तो मैट्रिसेस में कमोटेटिव वाला इशू हो सकता है लेकिन मैट्रिसेस की इतनी आती नहीं है रियल नंबर इंटीजर इन्हीं के आ रहे होते हैं तो अगर कोई ग्रुप है तो वो फिर एबिलियन भी होता ही है तो इसलिए इस बात की हमें टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर रैशनल या रियल नंबर आ जाए उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एबिलियन होगा। मल्टीप्लीकेशन में मसला क्या होता है देखो इंटीजर
इंटीजर में तो खैर मसला ये भी है कि 2 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स 1/2 होगा, तो इंटीजर के अंदर तो फ्रैक्शन होती नहीं है, इंटीजर के अंदर तो फ्रैक्शन है ही नहीं, लेकिन रैशनल और रियल नंबर के अंदर तो फ्रैक्शन होती है ना, तो इनके अंदर क्या मसला आता है? तो अगर मैं जनरलाइज बात करूं ना, इंटीजर, रैशनल और रियल, इन सबके अंदर एक बड़ा मसला है, वो मसला है जीरो। जीरो मसला क्रिएट करता है, क्योंकि जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0, और 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1/0 क्या चीज होती है? अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाए, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, उनके अंदर जीरो प्रेजेंट है, और जब जीरो प्रेजेंट हो तो जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और अगर इनवर्स को नहीं करेंगे तो इसका मतलब आइडेंटिटी तक रहेंगे, तो दैट्स व्हाई इनको आप बोलोगे मोनोइड। ये रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आया। और भी एग्जांपल आप बना सकते हो, जैसे रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाए, या इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आ जाए, ये सब क्या होंगे? मोनोइड होंगे। और अगर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, जैसे रैशनल आया था, इंटीजर आया था, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर भी आ जाए, तो वह एबेलियन ही होता है, पॉजिटिव मसला क्रिएट नहीं करता। मैंने बता दिया मल्टीप्लीकेशन का मसला जीरो करता है, जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई रैशनल, इंटीजर, रियल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोनोइड होते हैं, ये ग्रुप नहीं बना सकते। यहां तक बात सबको समझ आ गई है? कोई सवाल है तो पूछ लो यहां तक, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इनको रिवाइज कर लेना, यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको जरा सोचो। इसको जरा देखो, समझाओ, अगर समझ आ रहा है अभी, इसका आंसर बताने की कोशिश करो, क्या होगा ये? एक और चीज मैं पहले बता दूं, ये एमसीक्यूज मेरे पास हैं, इन पूरी बातों को ना वो सेंटेंस बना के भी दे सकते हैं। जैसे एक एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे सवाल है ना कि इसमें से कौन सा मोनोइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इन सवालों को वो वर्बली भी आपको पूरा सेंटेंस बना के भी दे सकते हैं, मतलब ऑप्शन ये लिखे हैं सारे। अच्छा, इसका मैं आंसर बताता हूं, पहले जो मैं सवाल बता रहा हूं उसको देख लो, एक z था, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है और एक रियल नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन सा मोनोइड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मोनोइड ना होने का मतलब कि वो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो आइडेंटिटी को करता है उसको आप मोनोइड कह रहे होते हो। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव? तो वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर में जीरो आ जाता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है ना, तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं है, दैट्स व्हाई इसको हम मोनोइड नहीं कहते। ऊपर अगर मैंने एग्जांपल करवाई थी, ये मोनोइड नहीं होता। तो इस तरीके से भी आपसे पूरा सेंटेंस बना के भी बातें पूछ सकते हैं, और ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। खैर, इसका आंसर मुझे किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब यह था कि रियल नंबर आर जो है ना, उसमें से मैंने जीरो को निकाल दिया। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बात बताई थी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन रियल, रैशनल और इंटीजर में मसला क्या कौन करता है? जीरो कर रहा होता है। तो जब मैंने रियल नंबर में से जीरो ही निकाल दिया, जो चीज मसला कर रही थी वो आपने निकाल दिया, तो अब ये क्या होगा? अब ये एबेलियन बनेगा। इसको पहले सिर्फ क्या चीज रोक गई थी एबेलियन बनने से? जीरो। जब आपने जीरो ही निकाल दिया, तो अब इसको एबेलियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें आइडेंटिटी भी है, इसमें इनवर्स भी है, इसमें हर चीज है, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर हर चीज आ जाती है। सिर्फ जीरो आपने निकाल दिया, मसला हल हो गया आपका। ठीक है,